तो एक्सप्लेन इन डिटेल द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए तुम्हारे क्राइटेरिया क्या होंगे? पहले सी बेंचमार्क, सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी होगा। पहले तो तुम प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे ना, तुम प्रॉफिट में होगे तो ही तो कर्जा लोगे, तुम प्रॉफिट में नहीं हो तो कर्जा लेके तुम तो डूब जाओगे। समझ में आ रहा है? सॉल्वेंसी, तुमने इतना ज्यादा कर्जा लिया कि तुम डूब गए। समझ में आ रहा है? तो तुम पर है, तुम क्या चाहते हो। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तो कन्वर्टिबल लोन्स लो, प्रेफरेंस शेयर्स लो कन्वर्टिबल, या ऐसा लो कि तुम लौटा सकते हो समय से पहले। इक्विटी शेयर में कैसे लौटाओगे? बायबैक बोलते हैं उसको, लेकिन सब नहीं करते, वो रिस्की हो जाता है। करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि तुम कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे तुम नवी गाड़ी लेते समय क्या सोचते हो, माइलेज 120 रुपया, बराबर है? फिर सर्विसिंग, रोल्स रॉयस का मैंने सुना है सर्विसिंग कॉस्ट कुछ 10 से 16 लाख रुपए गाड़ी का सर्विसिंग कराने का। तो सर्विसिंग कराते समय भी आदमी ढीला पड़ जावे, ठीक है ना, तो तुमको वो भी सोचना पड़ेगा। फिर रीसेल वैल्यू, स्पेयर पार्ट्स, तुमको विश्वास नहीं होगा, रोल्स रॉयस सबके टायर 4 4 8 8 लाख के आते हैं, पंक्चर नहीं होते नॉर्मली ये। सो इनका कॉस्टिंग, आगे का लाइट जो रहते हैं ना, अलग अलग लेजर और वो सब, दैट माइट कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज। सो हर चीज में उनका कॉस्ट है। करेक्ट? सो उसी प्रकार से कैपिटल स्ट्रक्चर तुमको डिजाइन करना है। तो पहले सोचो, प्रॉफिटेबिलिटी है तो कर्जा लो, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं तो भाई शेयर्स, ठीक है। सॉल्वेंसी, तुमको टिके रहना है तो कर्जा कम लो भाई, बहुत ज्यादा कर्जा लिया तो सामने वाला बैंक को चला जाएगा, बोलेगा कि भाई इनके संपत्ति बेचो, मेरा लोन वापस नहीं कर रहा है, तो पूरा संपत्ति तुम्हारा जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, मैं तो फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत मानता हूँ, तुम रिजिड नहीं कर सकते। आज के तारीख में तो हर चीज फ्लेक्सिबल, एक्स्ट्रा पैसा है लौटा दो, ओवरड्राफ्ट की तरह पैसा है लौटाओ वरना कर्जा लो। कंट्रोल, कंट्रोल चाहिए तो क्या करो, इक्विटी बिल्कुल भी मत इश्यू करो। क्या इश्यू करो? प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, कंजर्वेटिज्म। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर। कंजर्वेटिव, पुराने ख्यालात के लोग, सिंपली कीप इट सिंपल। तुम 50 प्रकार के शेयर्स इश्यू करोगे ना, जैसे शादी में जब जाते हो, बहुत सारा खाना का अलग अलग प्रकार रहता है ना, चाइनीज। मैं एक शादी में गया था, क्या बोलते, ईरान, वहां पे तो चाइनीज था स्टार्टर, चाइनीज, ईरान का कोई तो खाना था, इटली, उसने ऐसे अलग 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 रखा था, बहुत बड़ा था। फिर एक कश्मीरी कावा चाय बोलते ना, कश्मीरी बहुत फेमस कावा चाय, तो लगभग हर चीज, बिकॉज वो बिग शॉट लोग थे तो उनका खाना में सब कुछ था। प्रॉब्लम ये होती है, तुम सब कुछ खा ही नहीं सकते, तुम वो थ्री इडियट्स की तरह थाली में तो सब ले लोगे बट जाएगा नहीं, कुछ ज्यादा खाए तो जुलाब होएगा क्योंकि तुम मिक्सअप कर दोगे। तो कीप इट सिंपल। आजकल जैसे शादियों का कार्ड्स, पहले पंजाब में कैसे कार्ड देते समय ना, अंदर एक बॉटल भी डाल के देते, पता है क्या तुम, एक ऐसा रहता है कार्ड, ऐसे खोलने का बॉक्स, फिर उसमें एक मैकडोवल का छोटा सा ये रहेगा। सच में नॉर्थ में ऐसे देते हैं, और बॉम्बे में रिच पार्टीज जो रईस लोग रहते हैं ना, वो लोग ऐसे जो देते हैं। मैंने सुना था अंबानी का एक एक कार्ड जो था शादी का, वो 4 4 5 5 लाख रुपए का था, ठीक है ना। सो कीप इट। आजकल सबसे बेस्ट, अभी जो मेरी कजिन की शादी कनाडा में हुई, तो शॉपिंग के लिए इंडिया आई थी, इंडिया पड़ता है एज कम्पेयर टू कैनेडा, तो उन्होंने कार्ड कैसे रखा था, सिंगल एक सिंपल सा कार्ड जो रहता ना, तो मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि वही सिंपल चीज। मैंने बोला तो गुजरात में जाएगी ना या कहीं पे राजस्थान साइड, तो ऐसे बड़े बड़े भारी भरकम कार्ड, तो फॉरेन के लोग कीप इट सिंपल। और एक जमाना आएगा कार्ड बंद ही हो जाएगा, भाई व्हाट्सएप कर दिया है आना तो, और अपने वो क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड पे पेमेंट प्लीज उस पे ट्रांसफर करो। मैं भी त्रिम्बकेश्वर, हम लोग फैमिली गए थे, स्टार्टिंग में अंदर जैसे लाइन लगती ना, एक तो 200 रुपये देकर अंदर जाओ, लेकिन गर्दी अभी, जैसे तुम ये टाइम में जाओगे ना, तुमको लगभग डायरेक्ट एंट्री मिल जाए, स्टार्टिंग में कुछ नहीं, थोड़ा आगे जाए तो पेमेंट क्यूआर कोड से करें,
वहां पे क्यूआर कोड का फोटो स्कैन करके डायरेक्टली पे कर सकते हो, मतलब जमाना दक्षिणा जो डालते ना उसके जगह क्यूआर कोड दिया, लाइन में जो लगते ना वहीं पे चार पांच जगह पे क्यूआर कोड के आई थिंक थे, कितना अच्छा, उनको भी झंझट नहीं और गलत जगह जाएगा नहीं क्यूआर कोड की वजह से। सो कीप इट सिंपल वाली बात है, अपील टू इन्वेस्टर्स। सी इन्वेस्टर्स ना प्रेफरेंस शेयर में अपील होता ही नहीं, दे आर ऑलवेज इन इक्विटी शेयर और लोन्स, बैलेंस लेवरेज। भाई 10 लाख की कार में 8 लाख का लोन लिया तो तुम हमेशा प्रेशर में रहोगे, 8 लाख में कम से कम साल का ब्याज ही 80 हजार, मतलब 6 हजार का तो ब्याज महीने का तुमको बैठेगा, समझ में आ रहा है? लेवरेज, लेवरेज मतलब रिस्क। लोग क्या करते हैं, कर्जा लेके शेयर्स खरीदते हैं और शेयर्स गिरा तो वो भी गिरते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करने का, लोन और खुद का पैसा बैलेंस रखने का। कॉस्ट प्रिंसिपल, हर एक का कर्जे का देखो, हर शेयर्स का कितना कॉस्ट आता है, प्रेफरेंस का, इक्विटी का, डिबेंचर का, सो हर चीज का कॉस्ट देखो, रिटर्न्स देखो। कर्जा चीपर है देन इक्विटी, क्योंकि इक्विटी वाले ज्यादा मांगेंगे, लास्ट में पेमेंट मिलता है, तो कर्जा लो। इन दैट केस रिस्क, रिस्क उठाने के लिए तैयार है तो कर्जा लो, और रिस्क कम चाहिए तो इक्विटी शेयर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिटेल द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर।